लर्न विद मी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जो हमारे ये 5 पार्ट्स हैं, हमने इनमें जो नंबर दिए गए हैं उनको रैशनल और इरेशनल इन क्लासिफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट, 2 - √5, यहाँ पे जो हमारा 2 है ये रैशनल नंबर है, √5 है इरेशनल नंबर है। सो इस क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी याद करनी होगी कि कभी भी कोई इरेशनल नंबर जब किसी रैशनल नंबर से प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारे पास हमेशा इरेशनल होगा। सो यहाँ पे जो √5 है इरेशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर यानी एक रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सो ये हमारे पास आएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट, 3 + √23, ये ब्रैकेट, -√23, इसमें सिंपल ही हमें ब्रैकेट को पहले खोलना है, 3 + √23 - √23। अब देखिए प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे -1 और +1, ये इनका आंसर आया 0। यहाँ पे भी +√23 - √23 ये हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास आ गया 3। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ये p/q की फॉर्म आ गई, सो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, 2√7/7√7, इसे हम लिख सकते हैं 2 × √7/7√7। देखिए 2 × 4/4, यहाँ पे हम चाहे नहीं यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, इन्हें जब हम कैंसिल करेंगे तो भी 2/4 ही आएगा हमारे पास, सो हम √7 से √7 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2/7। अब ये p/q की फॉर्म है, सो ये एक रैशनल नंबर है, हमारे पास रैशनल नंबर। नेक्स्ट, ये फिर वही आइडेंटिटी वाला आ गया, 1 जो है वो रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है, सो इसका जो आंसर आएगा वो होगा इरेशनल, ठीक है। 2π, यहाँ पे सिंपली जो पाई है ये हमें इरेशनल के तौर पर देखेंगे, 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे 2 × π, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल होगा। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना ही था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेशंस। सो इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2। देखिए इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे पहले 3 की इससे मल्टीप्लाई, फिर 3 की √2 से मल्टीप्लाई, पहले 2 से फिर √2 से, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, जैसे पहले इसके इन दोनों से फिर इसके इन दोनों से। देखते हैं 3 × 2 = 6 प्लस 3 और √2 की मल्टीप्लाई आएगी 3√2। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसके इससे मल्टीप्लाई आएगी 2√3 और √3 की √2 से जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी √6 + √6। ये जो हमारी ये आई है
जो भी पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पे, यही हमारा आंसर आएगा. सो फर्स्ट पार्ट वेरी वेरी इजी था. सो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, पार्ट नंबर टू. 3 + √3 × 3 − √3. ठीक है, यहाँ पे देखिए a + b, a − b, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है a + b, a − b. इसमें जो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है √3. ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी है a + b, a − b, इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है a² − b². देखिए a की पहले इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई, b की फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई. जब हम a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², a की b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, सो माइनस का साइन ab. अब b की a से प्लस ab, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, और b की b से करेंगे तो −b², क्योंकि प्लस माइनस माइनस. अब प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा a² − b² इसे हम आइडेंटिटी के तौर पर देखें तो भी यही आएगा, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी यही आएगा. ठीक है, सो देखिए 3² − √3² अब 3 का square 9 माइनस, अब देखिए यहाँ पे जब हम रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं सो वो रूट हो जाता है कैंसिल, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगी. सो √3 का square √3 × √3 रूट कैंसिल, और इनमें से हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3. सो 9 − 3 = 2 आएगा 6. क्वेश्चन 2 के आज इस वीडियो में 2 ही पार्ट्स, बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें. थैंक यू.